प्रीवियस सेक्शन में हमने 16 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 इज कंपेयर द ट्रेंड डिपिक्टेड इन द गिवन बिलो। अगर आप इस ट्रेंड को देखो, देखो ये आपका ट्रेंड है। देखो यहाँ पर पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है ट्रेंड इन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब ये देखो आप, पहले तो आप इन नोटेशन को समझो। देखो जो ब्लू कलर का साइन है वो दिखा रहा है अप्रैल टू नवंबर 2019, और जो पिंक कलर का जो है ये है आपका, ये आपको दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन दे रहा है अप्रैल टू नवंबर 2020 की। ग्रीन कलर आपको दे रहा है अप्रैल टू नवंबर 2021, ठीक है। तो यहां से देखो क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से ये मिल रही है कि 2020 में जो फिस्कल डेफिसिट है वो 8.1 से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 10.8, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और 2021 में जो फिस्कल डेफिसिट है वो 10.8 से डिक्रीज हो गया, और किस पर आ गया 7.1। तो आप ये बताओगे, इसको देख के आपको डेबिट करने का होता है, इसको देख के जो समझ में आ रहा है वो बताओ। अब ये बात हो रही है प्राइमरी डेफिसिट की। दूसरी इंफॉर्मेशन यहां से लोगे आप, यहां से क्या दिखाई दे रहा है आपको कि 2020 में जो आपका प्राइमरी डेफिसिट है, जो आपका प्राइमरी डेफिसिट है 4.7 से इंक्रीज होके किस पर आ गया 6.9, और 2021 में जो आपका प्राइमरी डेफिसिट है वो 6.9 से डिक्रीज होके आ गया 2.4 में, 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। फिर थर्ड इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है वो ये गिवन है आपको, फिस्कल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ बजट एस्टिमेट, एज ए परसेंटेज ऑफ बजट एस्टिमेट। तो इसको देखो 2019 में कितना था 114.8, और 2020 में कितना हो गया इंक्रीज होके 135.1, और 2020 से 2021 में कितना हो गया डिक्रीज हो गया 46.2। तो 3 पॉइंट ही निकल रहे हैं ना यहाँ से, और तो कोई तीसरी इंफॉर्मेशन, चौथी इंफॉर्मेशन तो कोई है नहीं। अब इसका जो आंसर है वो किस तरह से दोगे आप, देखिए जब आप आंसर दोगे तो इस तरह से आप अपना आंसर लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे फिस्कल डेफिसिट इन 2020 इंक्रीज टू 10.8 लाख करोड़ फ्रॉम 8.1 लाख करोड़, यही कहोगे आप। देखो ये देखो कि फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा ये 10.8, ये लाख करोड़ है ना, 10.8 लाख करोड़ पर आ गया 8.1 लाख करोड़ से, किसमें 2020 में, यस और नो, समझ आ रहा है, ठीक है। तो यही आपने लिखा है, देखो दैट फिस्कल डेफिसिट इन 2020 इंक्रीजेस टू 10.8 लाख करोड़ फ्रॉम 8.1 लाख करोड़ इन 2019, और इन 2021 बड़ा है कम हुआ है, कम हुआ है, इट हैज गोन डाउन टू 7 लाख करोड़। फर्स्ट इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। सेकेंड इंफॉर्मेशन के लिए क्या था आपके पास, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में आप कैसे किस तरह से लिखोगे, प्राइमरी डेफिसिट इन 2020 इंक्रीज टू 6.9 लाख करोड़, वो भी इंक्रीज ही हो रहा था आपका फ्रॉम 4.7 लाख करोड़ इन 2019, एंड देन इन 2021 इट हैज गोन डाउन टू 2.4 लाख करोड़। बोलो भाई क्लियर हो गया। थर्ड इंफॉर्मेशन परसेंटेज में थी, बजट एक्सपेंडिचर में फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट इन 2020 इंक्रीजेस टू 135.1% ऑफ बजट एक्सपेंडिचर फ्रॉम 114.8% इन 2019। देखो यही है, 114.8% इन बजट एक्सपेंडिचर से ये इंक्रीज हो गया 135.1% इन बजट एक्सपेंडिचर, और 2021 में क्या हो गया, गोज डाउन टू 46.2%, यस और नो, इट गोज डाउन टू 46.2%। फिर हो गया तक, ठीक है। इसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, इलेबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द गवर्नमेंट बजट। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है कि गवर्नमेंट को बैलेंस करना होता है सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में।
भैया कितने रिसोर्सेज सोशल वेलफेयर में लगाए, कितने रिसोर्सेज भाई कमाना भी तो है, पैसे आएंगे तभी तो वो आगे करोगे, तो गवर्नमेंट को ही बैलेंस करना होता है, समझा क्या। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर वो इतना प्रॉफिट तो नहीं होता, लेकिन उनको डिस्काउंट देके या सब्सिडीज देके कुछ भी करके उनको माल लाने की कोशिश की जाती है। जैसे सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर उसमें आने के लिए तैयार नहीं होता है तो गवर्नमेंट खुद इनिशिएट करती है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। देखो जो आप आंसर दोगे किस तरह से दोगे, सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गया, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब इट इज अ बैलेंस बिटवीन सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक गोल्स। किस तरह से जो आपका आंसर होगा किस तरह से जाएगा, गवर्नमेंट सीक्स टू एलोकेट रिसोर्सेज विद अ व्यू टू बैलेंस द गोल्स, टू बैलेंस द गोल्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इंजूरियस टू हेल्थ मे बी डिस्करेज। जो प्रोडक्शन किसी ऐसी चीज का हो रहा है जो हेल्थ के लिए इंजूरियस है, जैसे सिगरेट हो गया या मतलब ये सारी चीजें होगी, ड्रग्स हो गया, कोई भी चीज होगी या एल्कोहल होगी, उसके प्रोडक्शन को तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्करेज करती है, ठीक है, थ्रू टैक्सेशन पॉलिसी, उन चीजों के प्रोडक्शन में गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देती है। सिमिलरली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ सोशली बेनिफिटेड नेचर में बी एनकरेज थ्रू सब्सिडीज, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो सोशल बेनिफिट के लिए है, जिससे सोशल वेलफेयर हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट खुद आगे इनिशिएट करती है सब्सिडीज देके, ठीक है आप ये करो हम आपको इसमें सब्सिडीज दे रहे हैं। बट इफ द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक इनिशिएटिव इन सर्टेन एक्टिविटीज लाइक पब्लिक गुड्स, द गवर्नमेंट मे डायरेक्टली कंट्रोल देम लाइक वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एटसेट्रा। ये गाने क्लियर, ठीक है, फिर आपका ये और वाला क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवेन्यू रिसीव्ड, रिवेन्यू रिसीव्ड क्या होती है, जो ना एसेट्स को डिक्रीज करती है ना लाइबिलिटी को इंक्रीज करती है, और कैपिटल रिसीव्ड क्या होती है, जो एसेट्स को या तो डिक्रीज करेंगी या लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगी। रिसीव्ड बोरोइंग कर ली, पैसा आ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, या गवर्नमेंट ने अपनी कोई डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, लेकिन डिसइन्वेस्ट करके गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो रिसीव तो हो रहा है, तो जो एसेट्स को कम करिए लाइबिलिटी को इंक्रीज करिए तो वो कैपिटल रिसीट है, बट ऐसी रिसीट जो ना एसेट्स को कम करिए ना लाइबिलिटी को बढ़ा रही है वो क्या है, रिवेन्यू रिसीट है। समझ में आ गया, और ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी है विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवेन्यू रिसीव्ड आर दोज रिसीट्स विच नीदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नॉर कॉजेज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्लियर, फॉर एग्जाम्पल रिवेन्यू रेगुलर नेचर वाली रिसीव लाइक टैक्सीज हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस एटसेट्रा, वेयर एज कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच ईदर क्रिएट्स लायबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग या डिस इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। ये क्लियर हो गया, ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द एडवर्स इंपैक्ट ऑन ब्रिटिश रूल। अब एडवर्स का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क ये तो पॉजिटिव है, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, इसका मैं आपको पहले मतलब समझाया था, कंपोजिशन का मतलब क्या था कि जो हमारे एक्सपोर्ट पहले ज्यादा होते थे वो हमारे कम हो गए थे और जो हमारा इंपोर्ट है वो बढ़ गया था, अभी अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये नेगेटिव है, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। आगे भी देखो क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया, ये तो अच्छी बात है और ये तो सबसे पॉजिटिव इंपैक्ट, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। ये क्लियर, ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है डैश कमिटी वॉज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया, कार्बन, यही था, फॉर फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अनाउंस्ड इन द ईयर 1948, ये तो अभी चल ही रहा है आपका चैप्टर रिवीजन में, क्लियर हो गया था, ठीक है, चलो जी, फिर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है
डैश एंड डैश आर द रीजन फॉर द स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हाँ ये तो है। ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसीज फ्रॉम अब्रॉड, ये भी है। स्टेबल परफॉर्मेंस होगी, ये तो नहीं होगा, क्योंकि अब नेगेटिव चीज की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, ये तो प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ये दो ऐसे रीजन है जिनकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो क्या हुई है, स्लो डाउन हुई है। ये क्लियर हो गया। फिर इसमें क्वेश्चन और पूछा गया आपसे, GLF फुल फॉर्म क्या थी इसकी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यही थी। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन देखो क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल क्रेडिट इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। नॉन फाइनेंशियल क्या कहोगे, मनी लैंडर, राइट, मनी लैंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेट ऑफ द इवेंट गिवन इन कॉलम वन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्ट्स गिवन इन कॉलम टू चूज अ करेक्ट पेयर ऑफ स्टेट। करेक्ट पेयर क्या है, ड्यूल प्राइसिंग के साथ पेयरिंग किया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, ये तो गलत है। सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन चाइना टू अट्रैक्ट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये ठीक लग रहा है, इसीलिए तो इसको सेटअप किया जाता है। कम्यून सिस्टम, बैकयार्ड बेस्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट, नहीं। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन, याद है क्या पड़ा था चाइना में हुआ था, जो जिदोंग की वजह से जो हुआ था, जो रेड बुक लेके चलते थे। अब इसमें पेयरिंग क्या की है, कलेक्टिव फार्मिंग, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन, पेयर हो गया था। तो पेयर जो है ठीक है आपका, वो कौन सा वाला है, सेकेंड वाला है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या पूछा गया आपसे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट वन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प टू ब्रिज अ गैप बिटवीन थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये तो ठीक है, ट्रू है। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपडेट द एम्प्लॉयज विद द लेटेस्ट चेंजेस इन देयर वर्क, ये भी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इनिशिएटेड देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, पॉज, ये प्रेशर तो बनाया गया तभी तो रिफॉर्म्स आए थे वो। पाकिस्तान ने सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड द SEZ पॉलिसी, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। चाइना ने किया था, तो ये भी क्या फॉल्स, इसमें दोनों ही उड़ गए क्वेश्चन में आपके। तो इसमें क्या आंसर होगा, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर फॉल्स, क्लियर है आंसर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में, डैश इज नॉट अ कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये तो है। डिफॉरेस्टेशन भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, गार्डिंग ग्रीन कवर, ये तो अच्छी बात है भैया। तो ये आपका कॉज नहीं है एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। ठीक है, और इसके बाद और वाला क्वेश्चन देखो, डैश इज नॉट द स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूज ऑफ बायोगैस, ये तो है, यूज ऑफ सोलर पावर, ये भी है, यूज ऑफ भाई थर्मल पावर का यूज करके तो आप रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, खत्म कर रहे हो बल्कि उनको, टर्न आ गया, तो ये नहीं होगा आपका स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या कहा गया, सेशन क्या है आपका, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इनसेपरेबल ट्विन्स, ये तो ठीक है बात। अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशियो इकोनॉमिक इवल्स, नहीं भैया ये किसने कह दिया, जितने भी सोशो इकोनॉमिक इवेंट्स है लोगों की सोच कैसी कैसी है, अच्छा वाला कमा रहे वो भी सोशो इकोनॉमिक इवेंट्स में दिखाई देते हैं, ऐसी चीजें करते हुए दिखाई देते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना, ये तो गलत है। तो इसमें क्या होगा आपका, असर्शन ट्रू है आपका, बट रीजन क्या है, फॉल्स। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ देखो एक चीज पर ये क्लियर है कि अगर असर्शन फॉल्स मिल जाए फिर तो सोचना ही नहीं है, फिर तो आंख बंद करके किस पे चले जाना, डीप पर, समझ में आ रहा है, अगर कुछ भी ऐसा अगर आपको दिखता है तो। आगे देखो, इन द लेट 1970 चाइनाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैड शार्पली डिक्लाइन, डिक्लाइन थोड़ी ना हुई थी,
बड़ी दी उस टाइम पे, तो बस ये फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब क्या डी, फिर ज्यादा अपने आपको स्कॉलर समझ के ज्यादा चीजों में टाइम नहीं खराब करना, सीधा ऑप्शन डी। ठीक है चलो जी आगे चलते हैं। अब यहां आपको इंटरप्रेट करने के लिए कुछ कहा जा रहा है, ये पिक्चर को देखिए आपको इंटरप्रेट करना है। इसको देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं थोड़ा और इसको जूम कर, ग्लोबल वार्मिंग क्या समझ में आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट, कि भैया अभी एक्ट कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कुछ टाइम ही ना रहे आपके पास कुछ करने के लिए। जैसे है ना अभी भी टाइम है कि पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर ऐसा टाइम आ जाए फिर सर भी ये कहे कि बस अब तो हो गया टाइम। ठीक है तो ये वही बात है आपकी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। 28 में डायरेक्टली दिखाया तो किस तरह से आप प्रेजेंटेशन दोगे इसकी, देखो जो आंसर होगा आपका वो इस तरह से आपने देना है। द गिवन इमेज इंडिकेट टूवर्ड द एनवायरमेंटल चैलेंज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, पहली बात क्लियर हो गई, ये दिखाया गया उसमें। ठीक है ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज, भाई होता क्या है CO2 जो है आपकी वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और क्यों बढ़ती है उसका रीजन क्या बताया था इसमें, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब क्या होता है, कश्मीर में क्या होता है कि जैसे कश्मीर में क्या होता है कि शीशे का ना एक वो ग्लास बनाया जाता है, प्लांट को रखा जाता है, वहां इन गैसेस को इकट्ठा किया जाता है और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, वहां पे कोई ठंड वगैरह होती है कुछ भी ऐसा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे जो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है किसकी, CO2 की, तो एक लेयर सी बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो गैसेस होती है वो बाहर जा ही नहीं पाते, वो यहीं इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो रेज हो रहा है। समझ आ रही है बात। ठीक है तो इसमें यही कहा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लोअर एटमोसफेयर एज ए रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस, ऐसे वो ग्रीन हाउस गैसेस क्या है बढ़ रही। ठीक है अच्छा फिर उसके आगे जो स्टेटमेंट थी वो क्या है, बिफोर इट गेट टू लेट इट्स बेटर टू एक्ट नाउ, द स्टेटमेंट गिवन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट रिप्रेजेंट द अर्जेंसी ऑफ एक्शन टू बी टेकन टू कंट्रोल द सिचुएशन। वेरियस स्टडीज हैव शोन दैट ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग राइजिंग सी लेवल, बढ़ रहा है बढ़ता जा रहा है। ठीक है लॉस ऑफ कोस्टल लैंड इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्लड एटसेट, समझ में आ गया आंसर। ठीक है चलो जी फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, दैट इज क्या हो गया भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 29। डिफेंड और रेफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन, आप ध्यान से समझो। आपको कहा था डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया, एग्रीकल्चर। तो ये सारे के सारे क्या था, पूरा का पूरा परिवार एग्रीकल्चर में ही होता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो होती है, मार्जिनल यूटिलिटी समझते हो कि एक एडिशनल वर्कर लाने से आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ना चाहिए ना, वो नहीं बढ़ता, समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है तो जो आपका आंसर होगा वो किस तरह से दोगे आप, चलो जी देखो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, पहले तो आप ये कहोगे कि गिवन स्टेटमेंट क्या आपकी ट्रू है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो,
इन इंडिया दिस सिचुएशन इज ऑफन विटनेस एज फार्मिंग इज मोर ऑफ अ फैमिली अफेयर इन रूरल एरियाज एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर जनरली एंगेज ऑन द फार्म्स विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस दिस प्रॉब्लम परसिस्ट इन रूरल इंडिया ड्यू टू द लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है और वाला, क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसमें देखो क्रिटिकली करना है, क्रिटिसाइज करना है। पहले तो देखो, देखो ये तो नहीं कह सकता कि भाई इससे इंप्रूवमेंट नहीं हुई, इंप्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करें, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि जितनी डिमांड है वो अभी भी पूरी नहीं होती, अभी भी रूरल एरियाज में जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती है। दूसरा क्या करता है, वो भी एक इशू है कि एग्रीकल्चर में जब फार्मर्स को लोन दिया जाता है तो वो वापिस नहीं आ रहा, रीपे नहीं करते, एक वो भी इशू रहता है। समझ में आ रही बात? तो कुछ ही अपने इश्यूज पड़े थे इसके, तो किस तरह से आप अपना आंसर दोगे? देखो अब देखो आप आंसर किस तरह से दोगे। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हैड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द रूरल फॉर्म। पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है। एंड नॉन फॉर्म आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम हैव बीन फेस्ड इन द रूरल बैंकिंग सच एज वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट। वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इन द कंट्री स्टिल इनसफिशियंट इन कंपेरिजन टू इट्स डिमांड एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। जितनी डिमांड है अभी भी उतनी सप्लाई नहीं है, आप ऐसे समझो। हैव फेल्ड टू कवर द एंटायर रूरल फार्मर्स ऑफ द कंट्री। लेस अटेंशन हैज बीन गिवन ऑन द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द नीडी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड प्रॉब्लम ऑफ ओवर ड्यू इन एग्रीकल्चर क्रेडिट कंटिन्यू, जो मैं आपको अभी बता रहा था। फिर हो गया सर? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका, कंपेयर एंड एनालाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द नेबरिंग नेशन। इसमें आपको एक देखो ये इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, ये इस तरह का आपको एक चार्ट दिया गया, इसको कंपेयर करना और एनालाइज करना। देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया 2004 टू 5 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था इन करोड़, पाकिस्तान में कितना था, 2341। 1819 में कितना था, कितना हो गया था वो, 14,426। तो ये जो ग्रोथ रेट था एक्सपोर्ट का पाकिस्तान के साथ में वो था 3.7%। अब चाइना को इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था 4 और 5 में, वो करता था 25,232 करोड़ का एक्सपोर्ट, और ये 1819 में जाके हो गया 1,70,289, जो आपका हुआ 2.6% ग्रोथ रेट। ठीक है, अब इंपोर्ट पर आ जाओ। इंपोर्ट पर देखो आप, पाकिस्तान से हम इंपोर्ट करते थे, मुझे तो ये भी हैरानी है, 427 करोड़। ठीक है, और 1819 में हो गया 3,476 करोड़ का वहां से इंपोर्ट कर देते, तो एनुअल रेट ग्रोथ कितना हुआ, 5.1%। यहाँ देखना जरा, 31,892 to 45 में फिर 4,92,079 करोड़। इसका मतलब तो भैया ओवर डिपेंडेंट है इनके ऊपर, चाइना के ऊपर। पीछे पीछे आप देखो ना, सारी चीजें चाइनीज ही होती है। आज भी देखो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, अगर आप यहाँ देखो चाइनीज ही मिलेंगे आपको। समझ आ रही है बात? तो चाइना की इकोनॉमी तो हमें पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है, इसका मतलब यही है। तो आंसर जो आप अपना दोगे वो किस तरह से दोगे, देखो देखो ये आपका फिगर है, उसको देख के आपने आंसर देना आप इस तरह से दोगे। द अबव टेबल शोज दैट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान हैव इंक्रीज एट एन एनुअलाइज रेट ऑफ 3.7%। ये क्लियर? ठीक है, व्हाइल द सेम इन चाइना स्लोज 2.6% ऑफ ग्रोथ। ये है ना 2.6% ऑफ ग्रोथ आपको यहाँ दिखाई जा रही है। ठीक है, आगे देखो, ऑन द अदर हैंड इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना अकाउंटेड फॉर अ मैसिव 10.3%। ये देखो, ये द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर विद पाकिस्तान विटनेस एन एवरेज ऑफ 5% रिस्पेक्टिव। ये सारा तो आपने इसका जो इसको देख के हमें लग रहा है वो हमने यहाँ पे लिखा, अब इस पर आप इंटरप्रिटेशन करोगे। द सिचुएशन इंडिकेट दैट इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम चाइना टू हाई इन कंपेरिजन टू द एक्सपोर्ट टू चाइना। भैया एक्सपोर्ट तो बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट बहुत कम है। दिस शोज दैट इंडियन इकोनॉमी वॉज ओवर डिपेंडेंट ऑन चाइनीज इकोनॉमी।
फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वेयर एज इन केस ऑफ पाकिस्तान गैप इज क्वाइट नैरो विच मे बी ड्यू टू द वेरियस रीजन, पॉलिटिकली रीजन है और तो क्या है, समझ आ रहा है? ठीक है चलो जी आगे चलते हैं। फिर आता कि नेम वन महारत्ना कंपनी, तो महारत्ना कंपनी को जब आप एक्सप्लेन महारत्ना कंपनी की अगर मैं बात करूं तो परफेक्ट एग्जांपल इसमें किसका दे सकते हो बोलो? इंडियन ऑयल का, महारत्ना कंपनी में आती है। ठीक है तो इसमें आ जाएगा आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये क्लियर हो गया नेम वन महारत्ना कंपनी। और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था लैंड सेलिंग प्रमोट्स इक्विटी, बिल्कुल भैया गवर्नमेंट ने इसके पीछे ये है क्या, गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ ही हाथों में लैंड नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट डिसाइड की, लिमिट से ज्यादा होगा तो उनसे गवर्नमेंट लेके उन जो लैंडलेस फार्मर है उनको देगी, तो इक्विटी की बात हो रही है ना, हो रहा है ना यहाँ पे, उसको उसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर किस तरह से एक्सप्लेन करोगे आप, लैंड सीलिंग मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल बियॉन्ड विच इट वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट एंड वुड बी अलॉटेड टू लैंडलेस एंड स्मॉल फार्मर्स, ये क्लियर हो गया? ठीक है द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रेड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड एंड प्रमोट इक्विटी, क्लियर? ठीक है चलो जी आगे चलते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लैंड रिफॉर्म्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर, तो बताओ जी कैसे एग्रीकल्चर, एक बात बताओ, जब स्मॉल फार्मर्स को लैंड मिलना शुरू हुई तो उनका वो एनकरेज होना शुरू हुए, और होता भी ऐसा कि आप और मेहनत करोगे, समझ में आ गया, एक पॉजिटिविटी दिखना शुरू हो गई, तो इस पे आप आंसर किस तरह से दोगे? दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक सेवरल इंस्टीट्यूशनल और लैंड रिफॉर्म्स टू एंश्योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सच एज लैंड सीलिंग, इट एंश्योर्ड रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड, को रिड्यूस कर दिया गया, और क्या किया गया था, जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया क्योंकि वो डोमिनेट करते थे, इट फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ फार्मर्स एक्सप्लोटेशन एंड प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ, दीज रिफॉर्म्स हैव लेड टू स्टेबिलिटी ऑफ फार्मिंग एज एन ऑक्यूपेशन एंड प्रमोटेड इक्विटी, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है चलो जी आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद वैलिड आर्ग्यूमेंट, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर वन एंड द सेम थिंग, क्या बोलते सेम थिंग है? नहीं, ये तो भैया एक सेल्फिश कंसेप्ट होता है, आपकी पढ़ाई मैटर नहीं करती, आपकी नॉलेज मैटर नहीं करती, जब तक मैटर नहीं करती जब तक आप प्रोडक्टिव नहीं हो, अगर आप अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हो तो आप ह्यूमन कैपिटल में आपको काउंट किया जाएगा, आप पढ़े लिखे हो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हो तो आपको ह्यूमन कैपिटल नहीं माना जाएगा, ये तो सेल्फिश कंसेप्ट होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है कि भैया यहाँ भी बात किया जाता है कि पढ़ाया जाए, हेल्थी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, पर ये नहीं कहा जाता कि प्रोडक्टिव होने के लिए होना चाहिए, ये कहा जाता है कि ये आपके लिए जरूरी है फॉर द वेलबींग, इट इज एन इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर आपके भले की बात हो रही है, काइंड ऑफ ए सोशल वेलफेयर की बात होती है, यहाँ हर इंसान को कहा जाता है कि भैया वो हेल्थी हो, वो पढ़ा लिखा हो, क्यों, ये उसके लिए जरूरी है, उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उसके वेलबींग के लिए जरूरी है, लेकिन यहाँ ह्यूमन कैपिटल में ये कहा जाता है कि भैया अगर आप प्रोडक्टिव हो तो आप ह्यूमन कैपिटल हो, लेकिन अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हो तो आप ह्यूमन कैपिटल में नहीं आते हो, समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ जो? ठीक है तो पहले तो देखो जो बात समझाई जा रही है, ये छोटा सा डिफरेंस समझो, देखो आपने क्या कहा, ह्यूमन कैपिटल क्या है, ये एक नैरो कंसेप्ट है, लेकिन अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ह्यूमन कैपिटल कंसीडर करता है एजुकेशन और हेल्थ को एज ए मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे पढ़ाई, और इसका क्यों कहा जाता है कि पढ़ाई करो ये करो ताकि प्रोडक्टिविटी रेज हो, प्रोडक्शन बढ़े, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग, यहाँ पे बात होती है वेलबींग, बिकॉज ओनली वेन द पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड द एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग हेल्थी लाइफ दे विल बी एबल टू मेक वैल्यूएबल चॉइसेस, भैया अगर पढ़े लिखे होगे समझदार होगे तभी तो एक अच्छे डिसीजन ले पाओगे, अपनी लाइफ को आगे ग्रो कर पाओगे, ठीक है, इतना आपके लिए समझना जरूरी था,
आगे देखो आप आंसर किस तरह से दोगे आप। द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ड्यू टू परफेक्शन, दीज टू मे साउंड सिमिलर बट आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, वेयर एज ह्यूमन कैपिटल कंसिडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर। ये क्लियर? ठीक है। प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। ये क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंडिया हैज अ पुअर स्टॉक ऑफ टेक्निकल मैन पावर। ये भी गलत है, टेक्निकल मैन पावर की कमी है यहाँ पर। यूएसए यूके हर जगह से डिमांड आती है, यहाँ के इंजीनियर्स की डिमांड आती है, यहाँ के साइंटिस्ट को बुलाया जाता है, यहाँ पे लेक्चरर्स को बुलाया जाता है, वो भी चीज कितनी वैल्यू करते हैं। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका, द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इंडिया हैज अ रिच स्टॉक ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड, ऑल्सो इंडिया हैज टेकन द नंबर ऑफ स्टेप टू इंप्रूव द क्वालिटेटिवली एंड एंश्योर दैट दे आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। ये क्लियर हो गया? ठीक है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है? तो देखो अगर हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करें तो किस तरह से लिखोगे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द असेंबलिंग स्टोरेज प्रोसेसिंग ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री। यही पढ़ा था हमें। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, डिस्कस ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, यानी कि इसमें क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा है, एसएचजी है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द रूरल डेवलपमेंट। तो आप आंसर किस तरह से दोगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी है वी मस्ट टू फिल द गैप इन फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया। देखो अभी आपने ये पढ़ा कि रूरल एरियाज में जो है क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, तो उसके में ये जो एसएचजी ये जो माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है ये बड़ी हेल्प करता है, एज ए डिलीवरी मैकेनिज्म हैज नॉट ओनली प्रूवन इन एडिक्वेट बट हैज नॉट बीन फुली इंटीग्रेटेड इनटू द ओवरऑल रूरल सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इट केम अप एज द माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, फोकस ऑफ एसएचजी इज ऑन दोज रूरल पीपल्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर लेबरर्स हु डू नॉट हैव सस्टेनेबल एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। ये मेन पॉइंट है कि भैया अगर फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस नहीं है या आप इतने कैपेबल नहीं हो या बैंक आपको उस लाइक नहीं समझता, वो आपको हेल्प नहीं कर रहा, तो आप अपनी हेल्प खुद ही कर लो। फिर आप सारे मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और जिसको ज्यादा जिसको नीड होता है उसको देते हैं, और या तो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे या बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं होता है, टाइम बाउंड कर दिया जाता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एसी का चॉइस वाला क्वेश्चन है आपका, इंडिया हैज फेल्ड टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964 टू 66। क्या कहा जाता है कि भैया अपने जीडीपी का कितना आपको एजुकेशन पे खर्च करना होता है, 6%, और इंडिया उससे बहुत कम खर्च करता है, तभी कहा जा रहा है ये स्टेटमेंट। ठीक है, ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। तो किस तरह से आप आंसर दोगे, एक और क्वेश्चन था क्या इसमें, ये रहा, एनलिस्ट एनी टू प्रॉब्लम फेस बाय फार्मर्स इन इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या फेस करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है, दूसरा जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो गुड्स प्रोड्यूस होती है उनका जो एक होता है टाइम पीरियड होता है कि ये काफी लंबे टाइम तक खराब, वो जल्दी खराब हो जाता है, ये भी है लोग इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रॉब्लम आती है। तो देखो जब आप एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज आते हैं, दूसरा कंपेयर टू द कन्वेंशनल फॉर्म प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैव मोर शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है इनका, और देखो महंगे भी होते हैं कितनी पूरे टाइम उसके साथ वो होते हैं, दूसरा शॉर्ट लाइफ स्पैन भी है, तो इंडिया में तो इनकी डिमांड कम ही रहती है, अभी भी इवन कम ही है। ठीक है। तो आगे देखो फिर जो आगे का क्वेश्चन है ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो आंसर किस तरह से दोगे आप इसका, कि जीडीपी का कितना परसेंट आपको खर्च करना चाहिए, एटलीस्ट 6%। द गिवन स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट ओवर द इयर्स, इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू रेज द एजुकेशनल स्टैंडर्ड टू द डिजायर्ड लेवल, एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964 टू 66 हैड रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन सो एज टू मेक अ नोटिसिएबल रेट ऑफ ग्रोथ इन एजुकेशनल अचीवमेंट। लेकिन हमारे केस में क्या, हाउएवर द करंट एक्सपेंडिचर लेवल हैज बीन क्वाइट इनएडिक्वेट, दस नेसेसरी स्टेप्स मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन। टर्न आ गया बस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
कैजुअल वेज वर्क इज मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया, बताओ भाई। है रूरल इंडिया में कहाँ से कैजुअल हो जाएगा, सिटीज में होता है, वहां कोई और काम ही नहीं होता है, वहां पे से लोग खेती बाड़ी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। भैया हम तो अपने खेतों में ही काम करें, पूरा का पूरा परिवार उसी में लगा होता है, रूरल इंडिया में तो नहीं है। तो आपको कहा था डिफेंड और रेव्यू रेफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद अ वैलिड रीजन, तो आप क्या कहोगे, गिवन स्टेटमेंट इज रेफ्यूटेड, आप इसको रेफ्यूट कर रहे हो। इन रूरल एरियाज नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड, वहां पे है नहीं वैसे, यहाँ तो इंडिया में 10 तरह के काम मिल जाते हैं, इंडिया में सॉरी दिल्ली में, जैसे अगर आप अर्बन सिटीज में, अर्बन एरियाज में, ठीक है। पीपल जनरली डू नॉट शो एनी प्रेफरेंस टू एक्वायर स्किल एंड ट्रेनिंग फॉर नॉन फार्म ऑक्यूपेशन, दे प्रेफर टू स्टे ऑन फैमिली फार्म्स एंड फील्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड। ये क्लियर हो गया, ठीक है आगे आ जाओ जी। देखो मैंने पहले भी कहा था, जब भी टैक्स वाला क्वेश्चन आता है ना, आप उसको मत पढ़ो, पहले सीधा क्वेश्चन पर जाओ। क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा गया कि आपको लगता है टैक्स पे जाना पड़ेगा, फिर जाओ, ऐसा अब इतना बड़ा टैक्स पढ़ने की कोई नीड नहीं है, अब सीधा पहले क्वेश्चन पर जाओ। क्वेश्चन में देखो आप क्या पूछा जा रहा है, व्हाई वाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इंप्लीमेंटेड एंड हाउ डिड इट बेनिफिट द फार्मर। अब इसमें पैराग्राफ में क्या जाना आपको पता ही है, प्रोडक्शन बढ़ा था ना, प्रोडक्शन, फार्मर्स को बेनिफिट हुआ, उनका प्रोडक्शन बढ़ा, सरप्लस में उनका प्रोडक्शन होने लगा, वो कमाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आप जो आंसर दोगे अपना वो किस तरह से दोगे, दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ फूड क्रेज अवेलेबिलिटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। ये क्लियर, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर विच वॉज अदरवाइज वेरी लो, पहले तो बहुत लो थी, इवन हम फॉरेन कंट्री में डिपेंडेंट थे पहले तो, ये भी हालात थे। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द इनकम ऑफ द फार्मर बाई क्रिएटिंग मार्केटेबल सरप्लस इंक्रीज इंप्लॉयमेंट एंड आउटपुट, सारी चीजें बढ़ गई, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे क्या पूछा गया, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन एनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर सफिशियंट फूड ग्रेज टू बिल्ड इट स्टॉक दैट कुड बी यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शॉर्टेज। बफर स्टॉक के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, बफर स्टॉक जिसको इमरजेंसी के टाइम पे भी यूज किया जाता है, गवर्नमेंट यूज करती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है भैया कि ये खरीद के रख लेती है अनाज वगैरह को, ठीक है, और उससे अपना गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक बनाती है गवर्नमेंट। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस स्टेटमेंट राइटली सेड दैट दैट एट प्रेजेंट इंडिया हैज एनफ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स दैट कैन बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। जैसे कोरोना का एग्जाम्पल ले लो, किसी स्टेट में फ्लड वगैरह आया था तो इसी का तो यूज किया जाता है। दिस ऑल हैज रिजल्टेड ड्यू टू द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज एनेबल्ड द फार्मर टू प्रोड्यूस अ लॉट स्पेशली इन द फील्ड ऑफ व्हीट एंड राइस ऑफ फूड ग्रेन सेफ फॉर ऑन कंजम्पशन, फार्मर अपने लिए भी रखते हैं एंड ब्रिंग द मार्केटेबल सरप्लस, और फिर उसको उसको उतना भी बच जाता है कि आगे उसको बेचे, उससे कमाए एक्स्ट्रा प्रोडक्शन द मार्केट। द गवर्नमेंट परचेजेस फूड ग्रेन सीधर स्ट्रेट फ्रॉम द फार्मर, या तो गवर्नमेंट फार्मर से ही परचेज कर लेती है, और फ्रॉम द मार्केट एट मिनिमम प्राइस डिक्लेयर्ड बाय इट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड मेंटेन बफर स्टॉक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ वी हैव नो मोर टू बी डिपेंडेंट ऑन अमेरिका और अदर कंट्री फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, वी हैव बिकम सेल्फ रिलायंट मेनली इन द फील्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स बिकॉज वी हैव नॉट ओनली बिल्ड अप बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर अवर कंजम्पशन बट ऑल्सो बिकम एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स टू अदर अंडर डेवलप्ड नेशन। तो मैं आ गया, ठीक है। तो बार बार कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, बफर स्टॉक, तो इसी के थ्रू आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ आके आपका ये चैप्टर भी कम, ये आपका पेपर कंप्लीट, ठीक है।